आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और एकदम चटपटा सा अचार, वो भी इंस्टेंट और वो भी बिना धूप दिखाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शीलाज मूड ऑफ फूड किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्च का अचार बनाना। मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च लिया है, जिसको धुल के पहले पानी से धुल के साफ़ कर लें और उसके बाद कपड़े से पोंछ के उसको सुखा लें। उसके बाद में उसको आप बीच में से ऐसे कट कर लें दो टुकड़ों में। मिर्च का चुनाव आप अपने हिसाब से करें। अगर आपको तीखा पसंद है तो बहुत छोटी वाली और डार्क कलर की मिर्च लें। ये मैंने जो मिर्च लिया है ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। 3/4 कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हम लेंगे और उसको गरम करेंगे अच्छी तरीके से, उसमें से भाप निकलने लगे तब तक। अचार मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1/4 चम्मच मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच धनिया लिया है खड़ी, और 2 चम्मच मैंने राई लिया है। अब इन सब मसालों को हम कढ़ाई में बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे, जिससे मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और उसकी नमी भी ख़त्म हो जाए। इन सब मसालों को एक साथ हम पैन में डालेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे और उसके बाद में इसको निकाल लेंगे हम उसमें से और ठंडा कर लेंगे। अब हमने जो तेल गरम किया है उसमें हम हल्दी डाल देंगे और साथ में हींग भी डालेंगे। गरम तेल में ही हल्दी और हींग डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। मसाले ठंडे हो जाएं तो उन्हें हम मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। बहुत मसालों को महीन मत करिए, दरदरा टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है मसालों का। देखिए इस तरह से हमने उसको दरदरा पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। अब चलिए सब सामग्री हमारी तैयार हो गई है, अब हम अचार मसाले को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम ये जो अचार मसाला मैंने बनाया है इसको हम मिर्च में डालेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मसालों को हम इस मिर्च के ऊपर अच्छी तरीके से डालेंगे। साथ में मैंने इसमें 25 ग्राम नमक डाला है 250 ग्राम मिर्च के लिए। आप भी इसी अकॉर्डिंग ही डालिए। थोड़ी सी कलौंजी डाली है, कलौंजी का टेस्ट ज़्यादा नहीं अच्छा लगता हमें, इसलिए हमने कम ही डाला है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जो तीखी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आता है इससे। अब जो हमने तेल गरम करके रखा है उसको मिक्स करते हुए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और साथ में हरी मिर्च को भी हिलाते जाएंगे, जिससे मसाले के साथ मिक्स हो जाए। एक साथ सब तेल मत डाल दीजिए, पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स करिए और उसके बाद में फिर और उसमें तेल डालेंगे हम। अब अचार काफ़ी लंबे समय तक अच्छे ही रहें, ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसमें या तो आप विनेगर डालिए 1 चम्मच या फिर लेमन जूस डालिए, नींबू का रस डाल दीजिए और उन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। यह अचार 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा झंझट नहीं होता है और ना ही ज़्यादा आपको धूप दिखाने की ज़रूरत है। इसे बना के इसी बर्तन में 24 घंटे के लिए रहने दीजिए, उसके बाद बर्नी में भर दीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ।